नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद इस बार सहरसा से चुनावी मैदान में है, चुनावी कैंपेन कर रही है। लेकिन इसी बीच सहरसा में एक बड़ी चीज हो गई जिससे वह बेहद नाराज हो गई। दरअसल सहरसा के जेल में बंद है आनंद मोहन जी कृष्णैया, जो कि गोपालगंज के पूर्व DM थे। उनकी हत्या मामले में उन्हें सजा सुनाया गया और वो लगातार जेल में बंद है। ऐसे में अब उन्हें शिफ्ट कर दिया गया है भागलपुर जेल में। एक तरफ चुनावी सरगर्मियां तेज है, तमाम प्रत्याशी मैदान में है। सहरसा से ही उनकी पत्नी को महागठबंधन ने अपना प्रत्याशी बनाया है, लेकिन इसी बीच तमाम कारणों को लेकर उन्हें शिफ्ट कर दिया गया है भागलपुर जेल में। तो ऐसे में आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद बेहद गुस्से में है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि ये सब साजिश के तहत हो रहा है, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, अभी उन्हें रहने देना चाहिए था वहीं पे, या फिर उन्हें जेल से बाहर आने देने की कोशिश वो लगातार कर रही थी, लेकिन सरकार जो है बिहार सरकार उन्हें बाहर नहीं आने दे रही है, उन्हें शिफ्ट कर रही है, तो कुछ भी उनके साथ हो सकता है। तमाम तरह के आरोप लवली आनंद ने लगाया है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि एक तरफ अब सरगर्मियां जहां तेज है, जहां उनके टक्कर में आलोक कुमार झा मैदान में है, BJP के प्रत्याशी हैं, तो कितना जो यह टक्कर है रोचक होता है या फिर कोई किसी पार्टी को एक तरफा मत मिलता है, जो कुछ भी होगा तमाम अपडेट्स जो है वह हेडलाइंस बिहार आप तक पहुंचा रहा है। आनंद मोहन को सहरसा जेल से भागलपुर शिफ्ट किया गया है। बीते काफ़ी समय से सहरसा में ही बंद थे और उसी सहरसा में प्रत्याशी बनाया गया है महागठबंधन की तरफ से लवली आनंद को। तो चर्चाएं काफ़ी तेज है, इस सीट पर लगातार लोगों की नज़र बनी हुई है। जो कुछ भी अपडेट्स आ रहे हैं तमाम अपडेट्स हेडलाइंस बिहार आप तक पहुंचा रहा है। देखने वाली बात होगी कि 10 तारीख को जो रिजल्ट आएगा उसमें सहरसा में क्या कुछ होगा। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हेडलाइंस बिहार के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।